हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि कैसे हम अपने एरिया का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम वगैरह उसमें सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ओपन कर लेना है अपना क्रोम ब्राउजर और सर्च कर लेना है चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर महाराष्ट्र। जैसे ही आप ये सर्च कर लेते हो तो आपके सामने इस तरीके से कुछ पोर्टल नजर आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते कि यहाँ पर बहुत सारी इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि VVPAT अवेयरनेस मराठी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मराठी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे आप वोटिंग कर सकते हो, आपका जो VVPAT कैसे बाहर आ सकता है। यहाँ पर आप बहुत सारी वीडियो दी जा चुकी है दोस्तों, यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो। चलिए फ्रेंड, हमें देखना है कि हम कैसे अपना वोटर लिस्ट अपने एरिया का डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर में PDF इलेक्ट्रल रोल पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेते हो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरीके से पोर्टल नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये सेक्शन भर लेना है, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको आपका सेकेंड नंबर पर आपको आपका असेंबली सिलेक्ट करना है। जैसे मैं मेरा असेंबली सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको आपका पार्ट नंबर सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, आपका जो भी एरिया है वो किस पार्ट में आता है, आपको उस पार्ट नंबर के साथ में आपका नाम, एरिया का नाम आ जाता है फ्रेंड्स, आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको सर्च कर लेना है फ्रेंड्स। अगर आपकी असेंबली थोड़ी अगर बड़ी होती तो आपको थोड़ी सी दिक्कत तो आने वाली है फ्रेंड्स। जैसे आपका नाम सर्च कर लेते हो, देखिए फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर पार्ट नंबर मुझे मिल चुका है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको जो साइड में कैप्चा कोड नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर इंटर करना है फ्रेंड्स। जैसे आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर इंटर कर लेते हो, आपको ओपन PDF पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओपन PDF पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके सामने फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, ये मुझे फिर से डाउनलोड करने का दिखा रहा है, मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो इसे मैं फिर से आपके सामने एक बार डाउनलोड करके दिखा दूंगा। यहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक कर लेते हो, देखिए फ्रेंड्स, आप राइट कॉर्नर पे देख सकते हो कि फाइल डाउनलोड हो रही है और फाइल डाउनलोड हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर ये फाइल आपके मोबाइल में ओपन नहीं होती है तो आपको आपके मोबाइल फ़ोन के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऐप के अंदर ये फाइल ओपन हो जाती है फ्रेंड्स। चलिए, मैं आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आ चुका हूँ। मैं आपको यहाँ पर मैं फाइल ओपन करके दिखाने वाला हूँ कैसे इस फाइल को ओपन करते हैं। फ्रेंड्स, सिंपली आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके इस फाइल पर क्लिक कर लेना। जैसे ही फाइल पर क्लिक कर लेते हो, यहाँ पर आपके सामने PDF में फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका एरिया वाइज पूरा जो पार्ट था वो डाउनलोड हो चुका है। इस लिस्ट में आप अपना नाम सर्च कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर ऊपर आप कॉर्नर पे देख सकते हो कि आप सर्च बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना नाम सर्च कर सकते हो। हाँ गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।